नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। और सबसे पहले बात कर लेंगे हमारे कल वाले टॉपिक के बारे में, जिसको लेके कुछ लोगों को ये क्लियर नहीं हो पाया था कि जो XR सैम है वो एक्चुअल में किस तरह का हो सकता है, क्योंकि वहां पे कुछ टेक्निकल वर्ड्स मैंने यूज किए थे, तो उसको यहां पे एक सिंपल लैंग्वेज में डाल दूंगा। और XR सैम के प्रोपल्शन सिस्टम को लेके कल तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, लेकिन यहां पे कुछ नए स्पेकुलेशन भी सामने हैं, तो उसको भी मैं यहां पे रख दूंगा। तो प्रोपल्शन सिस्टम की बात करते हैं, तो इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो कल ही मैंने बात किया था कि आपका जो बूस्टर फेज है वो सॉलिड फ्यूल बूस्टर होगा, जो आपका मेन प्रोपल्शन मोटर है वो सेगमेंटेड होगा, ऐसा मैंने बताया था। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि जो आपका मेन प्रोपल्शन सिस्टम है वो एक डुअल पल्स मोटर होने जा रहा है, तो कुछ इस प्रकार का आपको पूरा सिस्टम दिखेगा। और ये जो डुअल पल्स मोटर है इसको लेके बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अभी हाल ही में जो अस्त्रा के वर्टिकली लॉन्च वेरिएंट का टेस्ट किया गया था, तो हो सकता है कि अस्त्रा का जो वर्टिकली लॉन्च वेरिएंट है उसका एक डुअल पल्स मोटर का प्रारूप यहाँ पे जो अपर सेक्शन है उसमें यूज किया जाएगा। तो ये भी एक तरह की स्पेकुलेशन यहाँ पे लगाई जा रही है, क्योंकि अस्त्र मिसाइल का जो एयर टू एयर मार्क टू वेरिएंट है उसमें तो SFDR की टेक्नोलॉजी लगने जा रही है। हालांकि जो भी आपके SFDR की टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी, तो उसी को देखते हुए डुअल पल्स मोटर के साथ भी कुछ वेरिएंट होंगे, और उसी में आपका ये वर्टिकली लॉन्च जो अस्त्रा मार्क टू है उसका मेन प्रोपल्शन सिस्टम हो सकता है कि XR सैम में इनकॉर्पोरेट किया जाए, तो ऐसे भी कुछ अनुमान है। अब डिटेल में बात कर लेते हैं डुअल पल्स मोटर के बारे में कि क्या होते हैं डुअल पल्स मोटर, उसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। हालांकि ये टॉपिक एक सेपरेट वीडियो में कवर होना चाहिए था, लेकिन इसको मैं यहीं पे कवर कर देता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका कोई भी सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन होता है वो एक पर्टिकुलर शेप में सांचा गया होता है, और जब उसको इग्नाइट किया जाता है तो वो एक टाइम ड्यूरेशन में जल के खत्म हो जाता है। मतलब उसका जो बर्निंग रेट होगा वो एक बार शुरू होगा तो जब तक फ्यूल खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो रुकने वाला नहीं है। तो किसी भी मिसाइल के एंड गेम के लिए जहां पे उसको एक हायर स्पेसिफिक इंपल्स की आवश्यकता पड़ती है, तो वैसे केसेस में मैन्यूवरिंग टारगेट को हिट करने के लिए आपके मिसाइल के पास हायर पावर होनी चाहिए, जो कि आपको एक सिंगल कास्ट सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन में नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे डुअल पल्स मोटर का यूज करते हैं। तो इस मोटर में क्या होगा, आपके रॉकेट के अंदर यानी कि आपके मिसाइल के अंदर जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसमें जो सॉलिड प्रोपेलेंट होंगे उनको दो भागों में बांट दिया जाता है, जैसे कि आप अभी इस पिक्चर में देख रहे होंगे। अब बीच में एक पाइप के शेप में कंबशन चैम्बर आपका छोड़ दिया जाता है, और ये जो सॉलिड प्रोपेलेंट ढाले गए हैं एक सांचे में, तो इनकी डिजाइनिंग अलग अलग होती है, और डिजाइनिंग किस चीज पर डिपेंड करती है, क्योंकि आप जिस डिजाइन में सॉलिड प्रोपेलेंट को ढालोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको थ्रस्ट मिलता है। तो यहाँ पे दो पल्स हैं, आपका एक फ्रंट हो गया एक सेकंड पल्स हो गया, तो इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट शेप में ढाला जाता है। जो आपका इनिशियल पल्स है यानी कि पहला पल्स जो एंड पे होता है वो एक ऐसे शेप में होगा जो कि हेल्प करेगा इसे जल्दी जल्दी जलने में और क्विक पावर देने में, क्योंकि यही चीज होती है जो आपके ग्रेविटी को काउंटर करके प्रोपेल कर रही होती है इनिशियली। तो इसको अमूमन स्टार शेप में रखा जाता है इसके सॉलिड प्रोपेलेंट को, और जब ये जल के खत्म हो जाता है और बीच में आपका रिजिड पल्स सेपरेशन दिया गया होता है जो कि सेपरेट करता है सेकंड पल्स को फर्स्ट पल्स से, तो एक प्रोग्रामिंग की मदद से जब आपका पहला पल्स जल के खत्म हो जाता है और जब आप एंड गेम में पहुंचते हो, मतलब आप अपने टारगेट के बहुत नजदीक हो, तो उस गेज में आपका टारगेट कहीं मनूवर ना कर जाए तो आपको एक हायर थ्रस्ट की आवश्यकता पड़ती है इम्पैक्ट के साथ क्विकली हिट करने के लिए। तो वहां पे अगर आप सेकंड पल्स को इग्नाइट कर दोगे तो वो आपको रिक्वायर्ड थ्रस्ट देने में सक्षम होगा, और ये केस आपके सिंगल पल्स के साथ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर वो एक बार जलता तो जलता हुआ पूरा चला जाता, लेकिन हमने यहाँ पे सेकंड पल्स को बचा के रखा है एंड गेम के लिए। तो कुछ इस प्रकार से आपका डुअल पल्स मोटर होता है। तो अस्त्रा मार्क टू के लिए भी ऐसी प्लानिंग थी, लेकिन अभी रिसेंट अपडेट की माने तो अस्त्रा मार्क टू का जो एयर टू एयर वेरियंट है उसमें अभी SFDR की प्लानिंग चल रही है कि SFDR की टेक्नोलॉजी वहाँ पे इनकॉर्पोरेट की जाएगी, लेकिन अस्त्रा के वर्टिकल वेरियंट के लिए इस तरह के पल्स मोटर की प्लानिंग डुअल पल्स मोटर की प्लानिंग चल रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले अपडेट में बात करेंगे MiG-27 के बारे में। तो आज MiG-27 का जो लास्ट स्क्वाड्रन था उसे रिटायर कर दिया गया है जोधपुर एयरबेस से, जहां पे दो स्क्वाड्रन ऑपरेशनल थे, और सेकंड स्क्वाड्रन में जो कि अभी रिटायर होना बाकी था और जिसमें 7 MiG-27 थे उनको रिटायर कर दिया गया है, और एक फेयरवेल सेरेमनी के अंतर्गत ये पूरा रिटायरमेंट फंक्शन कंडक्ट किया गया था। अगले अपडेट में बात कर लेंगे DRDO के एक प्रोजेक्ट के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, इस बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि DRDO के अंतर्गत अलग अलग लैब्स में तकरीबन 300 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट सक्रिय हैं, और इसी प्रोजेक्ट में से DRDO एक ऐसा एडवांस एक्टिव ऑफबोर्ड डिकॉय सिस्टम डेवलप कर रही है जो कि किसी भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट द्वारा फायर किए गए जो एंटी शिप मिसाइल्स होते हैं उनको भ्रमित करने में सक्षम होगी। और ये चीज करने के लिए जो इंडियन नेवी के एग्जिस्टिंग शिप्स हैं वहां से ये ऑफबोर्ड डिकॉय सिस्टम फायर किया जा सकेगा। तो ये सिस्टम क्या करता है, जब इसे एक बार फायर कर दिया जाता है तो ये आपके शिप का जो रडार सिग्नेचर है उसको मिमिक करता है उसी फ्रीक्वेंसी पे जिस पे दुश्मन का जो एंटी शिप मिसाइल है वो लॉक किया गया है। और जब ऐसा होता है तो आपका जो ऑफबोर्ड डिकॉय सिस्टम है वो कंप्लीट एक मिरर इमेज बना लेता है रडार सिग्नेचर के रूप में आपके शिप का, और दुश्मन के एंटी शिप मिसाइल डिसीव होके आपके डिकॉय सिस्टम पे हिट करते हैं और पानी में डूब के बेकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम का जो मिनिमम परसिस्टेंस टाइम है कि वो वहां पे ये सिग्नेचर
जनरेट कर सकता है वो 10 मिनट का है और मैक्सिमम 25 मिनट का है। तो कुछ इस प्रकार का सिस्टम DRDO डेवलप कर रही है और इस तरह के 150 सिस्टम की रिक्वायरमेंट है इंडियन नेवी को, और एक सिस्टम की जो लाइफ है वो 25 से लेकर 30 साल की है। तो इस प्रकार के सिस्टम ब्रह्मोस के अगेंस्ट कितने इफेक्टिव होंगे उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि ब्रह्मोस को इस तरह के सिस्टम से डिसीव किया जा सकता है या नहीं, अगले अपडेट में बात कर लेते हैं। एक निर्धारित किए गए डेंजर जोन के बारे में, तो इस जोन को लेकर वार्निंग इशू की गई है जो कि 30 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच के लिए इशू की गई है। वार्निंग विशाखापट्टनम कोस्ट से कुछ दूर बीच समुद्र में, तो ये वार्निंग 1600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इशू की गई है और ऐसा अनुमानित है कि किसी शिप से या फिर सबमरीन से कोई मिसाइल फायर की जाएगी। और इसको लेकर ऐसे स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि हो सकता है सबमरीन से K4 फायर किया जाए, और बहुत सारे स्पेकुलेशन ऐसे भी हैं कि हो सकता है किसी शिप से कोई मिसाइल फायर की जाए। तो अभी इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफिशियल क्लियरेंस नहीं है, लेकिन जैसा कि आप सब जानते होंगे कि K4 SLBM का जो टेस्ट है वो अभी बाकी है, और इसीलिए ये जो स्पेकुलेशन है वो तेज है कि ये टेस्ट K4 मिसाइल का हो सकता है। तो इस क्विक अपडेट को लेकर इतना ही। जय हिंद।